जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। तो देखिए इसका मीनिंग क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू दैट नाउ डेज वी आर यूजिंग लॉट ऑफ फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, वीडिसाइड्स। ओके, सो ऑल दीज केमिकल्स दे आर कॉजिंग पॉल्यूशन इन सॉइल, वाटर, एवरीथिंग इज पॉल्यूटेड। और समवन हैज सेड कि इफ़ यू चेक द मिल्क ऑफ ह्यूमन मॉम इवन दैट हैज इंसेक्टिसाइड। तो आप सोचिए अगर एक मतलब नारी का दूध भी जो अपने बच्चे को पिलाने वाली है अगर वो भी इंसेक्टिसाइड रखता है तो कौन बचेगा, राइट? और दीज इंसेक्टिसाइड एंड केमिकल्स दे आर कॉजिंग सो मैनी डिजीज इन ह्यूमन बींग्स। दे आर सफरिंग फ्रॉम स्टोन, कैंसर एंड लॉट ऑफ काइंड ऑफ डिजीज। अच्छा, एक बात समझने की ज़रूरत है कि सबसे पहले कि पेस्टिसाइड क्या होता है। पेस्टिसाइड इट इंक्लूड्स इंसेक्टिसाइड या जो भी एनिमल्स जो कि हार्म करते हैं क्रॉप्स को, दे आर नॉन एज द पेस्ट। जैसे चूहा है तो माउस इज ए पेस्ट, ठीक है? तो अब करते क्यों हम यूज़, हम फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं जिससे कि हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाए क्रॉप्स का, वीट का, फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का, और उनमें कोई डिजीज़ ना हो, कोई इन्फेक्शन ना हो। लेकिन इसका किस कॉस्ट पर, मतलब हमें खाने को तो काफ़ी मिल रहा है बट वी आर सफरिंग फ्रॉम सो मैनी डिजीज, राइट? अच्छा, बायोलॉजिकल कंट्रोल का क्या मीनिंग है ये समझिए। बायोलॉजिकल कंट्रोल ये हो गया कि जैसे कि आपके घर में चूहे ज़्यादा हो गए। चूहे से एक बात याद आ गई कि हमारे देश के अंदर समटाइम्स पीपल कमिट ब्लंडर्स, दे डू स्टूपिड थिंग्स। कि चूहा मारना था तो एक लेडी ने क्या किया, उसने आटे के अंदर चूहे मारने की दवाई मिलाई और बिल के पास रख दिया चूहे के, सोचा कि चूहा खाएगा उस आटे को और मर जाएगा। लेकिन हुआ क्या, चूहे ने तो खाया नहीं उसे, उसके बच्चे ने खा लिया एंड उसका बच्चा ही उसकी डेथ हो गई। तो आप सोचिए, वी शुड नॉट कमिट सच काइंड ऑफ ब्लंडर्स, ठीक है? तो अब बायोलॉजिकल कंट्रोल पे आते हैं। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल ये है कि चूहा मारना है तो आप चूहे मारने की दवाई मत लाइए घर में, आप बिल्ली पाल लीजिए, चूहा अपने आप ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो ये बायोलॉजिकल कंट्रोल हो गया। तो आजकल हम, और देखिए अगर आपने ऐसा किया तो आप देखिए आपको इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड कम यूज़ करना पड़ेगा और इट विल रिड्यूस पॉल्यूशन और आपका एक्सपेंसेस भी कम होंगे, ठीक है? तो चलिए पॉइंट पर आते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए बीटल आपने सुना है, एक बीटल होता है जिस पर रेड और ब्लैक मार्किंग होती है, उसको लेडी बर्ड कहते हैं। तो जो लेडी बर्ड है, ड्रैगन फ्लाइज हैं, इनकी हेल्प से आप एफिड्स को और मॉस्किटो को ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है? किसको ख़त्म कर सकते हैं, एफिड्स एंड मॉस्किटो को। एक मैं आपको बताऊंगा, फिश होती है गैम्बूसिया, तो जो गैम्बूसिया होती है वो भी मॉस्किटो के लार्वा को खा जाती है। तो आप मॉस्किटो को वाटर बॉडीज में ख़त्म करना चाहते हैं तो आप गैम्बूसिया फिश को पाल सकते हैं। एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ, एक बैक्टीरिया होता है बैसिलस थुरुजेंसिस। तो बैसिलस थुरुजेंसिस इट इज़ ए टॉक्सिक, अगर ये इंसेक्ट के लार्वा की गट में चला जाए, मतलब एलिमेंट्री कहना जाए, तो उसको किल कर देता है। तो करते क्या है फार्मर्स की बैसिलस थुरुजेंसिस बैक्टीरिया के सैशे आते हैं, तो उन सैशे को पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं और क्रॉप के ऊपर उसका स्प्रे कर देते हैं। अब जिस क्रॉप के ऊपर स्प्रे हो चुका है बैसिलस थुरुजेंसिस बैक्टीरिया का, अब अगर उसकी लीव्स को खाते हैं इंसेक्ट, ठीक है, तो वो मर जाते हैं। और अब तो इससे भी ज़्यादा एडवांस हो चुका है जेनेटिक इंजीनियरिंग, आई विल टीच यू इन बायोटेक्नोलॉजी कि दैट दिस बीटी जीन ऑफ बैसिलस थुरुजेंसिस बैक्टीरिया हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड, हैज़ बीन एंटर्ड इन द क्रॉप्स। तो अब क्रॉप के अंदर उसका जीन डाल दिया गया है। अब सोचिए अगर किसी क्रॉप प्लांट के अंदर, जैसे आजकल की डेट में बीटी मस्टर्ड आ रहा है, बीटी कॉटन आ रहा है एंड बीटी ब्रिंजल आ रहा है, इसका मीनिंग क्या है कि चाहे वो ब्रिंजल है बीटी
बीटी कॉटन है या बीटी मस्टर्ड, उनके अंदर बैसिलस थोरोजेंसिस बैक्टीरिया का जीन है। अब उनकी लीव्स को अगर कोई इंसेक्ट खाता है स्पेसिफिक, तो दैट विल डाई। तो इट मीन्स प्लांट इज एबल टू प्रोटेक्ट इट्सेल्फ विदाउट यूज ऑफ एनी इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड। ठीक है, एक और स्पेशल बात करूँगा, एक फंगस होता है ट्राइकोडर्मा। तो जो ट्राइकोडर्मा फंगस है ये कुछ प्लांट की रूट्स में पाया जाता है। तो अगर किसी प्लांट की रूट में ट्राइकोडर्मा फंगस है तो समझ लीजिए उस प्लांट के ऊपर कोई भी पैथोजन अटैक नहीं कर सकता है। इट मीन्स ट्राइकोडर्मा फंगस इज प्रोटेक्टिंग दैट प्लांट फ्रॉम द इन्फेक्शन ऑफ पैथोजन। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, इस पर 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन आया हुआ है, उस पर ध्यान दीजिए, बैकुलो वायरसेस। तो बैकुलो वायरसेस ये बहुत ही स्पेसिफिक, तो बैकुलो वायरसेस आर पैथोजन्स दैट अटैक इंसेक्ट एंड अदर आर्थ्रोपोड्स। तो ये कुछ इंसेक्ट पर आर्थ्रोपोड्स पर अटैक करते हैं, और जो ज़्यादातर बैकुलो वायरसेस हैं ये एक स्पेशल जीनस है, उसका नाम है न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस। बोलिए मेरे साथ, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस। इन वायरस की खास बात क्या है कि दीज वायरसेस आर एक्सीलेंट कैंडिडेट्स फॉर स्पेसीज स्पेसिफिक, कि केवल स्पेसीज स्पेसिफिक इंसेक्ट को ही किल करेंगे, राइट। और इनका नैरो स्पेक्ट्रम होता है इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन। देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि स्पेसीज स्पेसिफिक, देखिए हमें सारे इंसेक्ट को नहीं मारना है भाई। अगर आपने सारे इंसेक्ट को मार दिया, सारे इंसेक्ट थोड़ी हार्मफुल हैं, तो होगा क्या भाई, बहुत सारे इंसेक्ट तो पॉलिनेशन करा रहे हैं, और अगर पॉलिनेशन नहीं होगा तो फ्रूट बनेगा क्या? ओके, ना फ्रूट बनेगा ना सीड बनेगा, फिर फायदा क्या होगा प्लांट का? तो वी डोंट हैव टू किल ऑल द इंसेक्ट, वी हैव टू किल ओनली द हार्मफुल इंसेक्ट। तो ये जो बैकुलो वायरस है दे आर स्पीसीज स्पेसिफिक, दे किल ओनली हार्मफुल इंसेक्ट। जैसे कहते हैं ना फिल्म का डायलॉग है, चुन चुन के मारूंगा, तो चुन चुन के मारना है, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कहीं आतंकवादी हैं, कहीं क्रिमिनल हैं, कहीं भीड़ भाड़ में, तो पुलिस ऐसे गोली नहीं चलाते कि किसी निर्दोष आदमी को मार दिया, किसी बच्चे को मार दिया, वो उसी को गोली मारेगी सिर्फ क्रिमिनल को, चाहे क्रिमिनल भाग जाए, लेकिन किसी निर्दोष को चोट नहीं लगनी चाहिए, उसको गोली नहीं लगनी चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो ये बड़े अच्छे हैं बैकुलो वायरस, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस, कि दे आर किलिंग ओनली द स्पीसीज स्पेसिफिक हार्मफुल इंसेक्ट, और बहुत नैरो स्पेक्ट्रम है इनका, ठीक है। और इनका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, मतलब दे डू नॉट कॉज एनी पॉल्यूशन, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है प्लांट पर, मैमल्स पर, बर्ड्स पर, फिश पर, और किसी अदर इंसेक्ट पर। तो ये बहुत ही अच्छे हैं, और एक प्रोग्राम शुरू किया गया है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम, ठीक है, और कि इकोलॉजी को भी बचाया जाए, मतलब हमें हार्मफुल को तो ख़त्म करना है, लेकिन जो यूज़फुल इंसेक्ट हैं और जो नेचर है उसको पॉल्यूट होने से बचाना है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइज़र, कि चलिए हमने पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड का तो ऑप्शन ढूंढ लिया, कि आपने बायो कंट्रोल एजेंट ढूंढ लिए, लेकिन फर्टिलाइज़र का क्या ऑप्शन है? तो नेचुरल फर्टिलाइज़र भी लाए जा रहे हैं, जिसको हम कहते हैं बायो फर्टिलाइज़र, ठीक है। तो मैं इसकी बात करता हूँ आपसे, कि जैसे आप जानते हैं कि राइजोबियम एक बैक्टीरिया होता है, तो राइजोबियम बैक्टीरिया दे आर फाउंड इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, कि जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, दाल वाले पौधे होते हैं, उनके रूट्स में आप जानते हैं छोटी छोटी गांठें हो जाती हैं, 11th में आपने पढ़ा हुआ है, और उन गांठों को हम क्या कहते हैं, रूट नोड्यूल्स। तो उन रूट के अंदर क्या है, राइजोबियम बैक्टीरिया है, और उनका जो एसोसिएशन है दैट इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो क्या कर रहा है, नाइट्रोजन आप जानते हैं एटमोसफियर में 78% है, लेकिन प्लांट हवा से थोड़ी ऑक्सीजन ले सकता है, नहीं ले सकता है, उस नाइट्रोजन का फिक्सेशन होगा। तो वो नाइट्रोजन का जब फिक्सेशन होगा तो नाइट्रेट्स बनेंगे, नाइट्राइट बनेंगे, और वो सॉइल में आएंगे, तभी तो प्लांट उसको एब्जॉर्व कर पाएगा। तो जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो कौन कर पाएगा, राइजोबियम बैक्टीरिया, क्लियर। सो दिस इज द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो वो क्या कर रहा है, एक तरीके से
सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ा रहा है और जिससे क्या हो गया, वो बायो फर्टिलाइजर काम करेगा। इसी तरीके से देखिए बैक्टीरिया एजो स्पायरलम है, एजेटोबैक्टर है, तो दे आल्सो इंक्रीज द नाइट्रोजन कंटेंट इन द सॉइल। एक और एग्जांपल लेते हैं माइकोराइजा। तो माइकोराइजा क्या है, ये जो है एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है फंगस का हायर प्लांट की रूट से। मतलब जो कुछ हायर प्लांट्स हैं, खासतौर पे मैं जिम्नोस्पर्म की बात करूँगा, कि जिम्नोस्पर्म की रूट्स में फंगस पाए जाते हैं। जैसे एक फंगस है ग्लोमस, तो जो ग्लोमस फंगस है वो हायर प्लांट की रूट से जिम्नोस्पर्म की रूट के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना लेते हैं, तो दोनों को फ़ायदा हो रहा है। सिम्बायोटिक में दोनों का फ़ायदा होता है, ठीक है, इसको हम म्यूचुअलिज्म भी कहते हैं। दोनों का फ़ायदा कैसे, कि जो हायर प्लांट है जिम्नोस्पर्म है वो फंगस को क्या देगा, न्यूट्रिशन, कुछ खाने को देगा, और फंगस क्या करेगा, उसको फंगस उसको हेल्प करेगा न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में सॉइल से। जैसे बुक में दिया हुआ है कि ग्लोमस जो है वो फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। इसके अलावा जो है वो क्या काम करेगा, कि वो उसको हेल्प करेगा कि जो रूट मतलब पैथोजन होते हैं सॉइल के अंदर, रूट बॉर्न पैथोजन, उनसे लड़ने में हेल्प करेगा, उसकी टॉलरेंस बढ़ाएगा कि कहीं पानी खारा है तो खारे पानी में प्लांट ग्रो हो सके, तो उसकी टॉलरेंस बढ़ाएगा। सैलिनिटी के लिए ड्रॉट से, ड्रॉट मतलब सूखा, अगर पानी नहीं है तो भी प्लांट ग्रो कर सके। तो आप सोचिए कितना अच्छा एसोसिएशन है ग्लोमस का एंड बिटवीन द रूट्स ऑफ द हायर प्लांट्स, ठीक है। अब एक और साइनोबैक्टीरिया, जिनको आप ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, तो जो साइनोबैक्टीरिया है ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, एनाबिना नॉस्टॉक ऑसिलेटोरिया, ठीक है। तो ये आप जानते हैं कि जैसे धान के खेत होते हैं गांव के अंदर, पैडी फील्ड्स, तो उनके अंदर ये बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया पाए जाते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, और ये भी नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, और जब नाइट्रोजन का फिक्सेशन करेंगे तो क्या होगा, सॉइल के अंदर नाइट्रोजन का कंटेंट बढ़ जाएगा और सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाएगी, राइट। और आप जानते हैं जो आप फर्टिलाइजर डालते हैं उसके अंदर मेनली होता क्या है, यूरिया होता है, यूरिया में क्या है, मेन नाइट्रोजन है। तो आप देखिए आपने नाइट्रोजन को विदाउट फर्टिलाइजर आपने नाइट्रोजन कंटेंट सॉइल के अंदर बढ़ा लिया विद द हेल्प ऑफ साइनोबैक्टीरिया, विद द हेल्प ऑफ राइजोबियम, ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा है। तो देखिए जो चैप्टर था हमारा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, तो यू ऑब्जर्व दैट माइक्रोब्स दे आर यूजफुल इन एवरी वॉक ऑफ आवर लाइफ, तो बहुत ही ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है। आप सोचिए आप तो दही भी नहीं खा सकते इनके बिना, आपकी मेडिसिन नहीं बनेगी, एंटीबायोटिक्स आप बायो कंट्रोल एजेंट की तरह यूज कर सकते हैं, आप बायोगैस बना सकते हैं, आप ये सीवेज ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो बिना माइक्रोब्स के तो हमारी लाइफ पॉसिबल है ही नहीं। इट मींस विदाउट माइक्रोब्स वी कैन नॉट सर्वाइव। तो आपने दोनों तरह के माइक्रोब्स पढ़ लिए, वो माइक्रोब्स जो चैप्टर 8 में पढ़े थे हमें, जो हमें डिजीज़ करते हैं, विच आर पैथोजन, विच आर हार्मफुल फॉर अस, हमें निमोनिया कर देते हैं, ट्यूबरक्लोसिस कर देते हैं, अमीबाइसिस कर देते हैं, और यहाँ हमने पढ़ा कि ऐसे माइक्रोब्स विच आर यूजफुल फॉर अस, और हमारा सर्वाइवल उन पर बहुत ज़्यादा डिपेंड है। दैट्स ऑल। तो बेटा याद करिए और आगे बढ़िए।